हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट टू। ये चैप्टर का आज थर्ड क्लास है, ठीक है। अभी तक कौन कौन आ गए हैं फटाफट लाइव चैट में हाय डालिए। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले पहली चीज तो दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, और इसे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा, प्लस कभी कभी मैं स्टडी मटेरियल भी डाल देता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज आवर एजुकेटेड एजुकेशन यूट्यूब चैनल, फटाफट सब्सक्राइब कर दो नीचे, ठीक है। और अभी तक लाइक ना किया हो सेशन को तो कर देना। तो शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर 3 की, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2, ठीक है। तो आज के सेशन का एजेंडा क्या है, आज हम पहली चीज तो पढ़ने वाले हैं बडिंग। अब आप बोलोगे बडिंग तो हमने कल ही पढ़ा था, तो बडिंग हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ने वाले हैं। कल हमने यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, प्लस उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है बडिंग इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए बडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रा का केस ले रहे हैं, ठीक है। हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, अंडर फेवरेबल कंडीशंस एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एन आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रीजेनरेटिव सेल्स ऑफ द बॉडी वॉल। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड। देखिए हाइड्रा में क्या होता है, अभी ये जो बहुत बड़े बड़े शब्द दिखे ना उनको सिंपल मतलब समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रा का एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी, ठीक है। वहां से क्या होता है, एन आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब बाहर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है कुछ तो भी चीज की वहां से बाहर, ठीक है। तो आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिविजन्स, बार बार डिविजन्स ऑफ रीजेनरेटिव सेल्स ऑफ बॉडी वॉल। देखिए उसकी जो बॉडी की जो वॉल होती है, हाइड्रा की जो वॉल होती है बॉडी वॉल, उस वॉल के ऊपर ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स बार बार डिवाइड कर पाते हैं, बार बार माइटोसिस कर पाते हैं, और उसकी वजह से वो आउटग्रोथ फॉर्म कर लेते हैं। मतलब ढेर सारे सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स माइटोसिस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे सेल्स और फॉर्म हो गए, और उसकी वजह से एक आउटग्रोथ फॉर्म हो गया वहाँ पे, और इस आउटग्रोथ को हम यहाँ पे बड कहते हैं। सो बड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा पे ऐसे थोड़ा सा एक छोटा सा आउटग्रोथ आया है, उस आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं, और वो बड धीरे धीरे ग्रो होता है और उससे एक छोटा हाइड्रा बनाता है, ठीक है। छोटे हाइड्रा को हम नेसेंट हाइड्रा भी कहते हैं। तो देखिए डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा। तो इसका क्या मतलब होता है, जो हाइड्रा होता है, जो अभी नया हाइड्रा बना, ठीक है, जिसे हम बडिंग हाइड्रा कह सकते हैं, वो जो बडिंग हाइड्रा है उसकी डर्मल लेयर्स मतलब उसकी बॉडी वॉल की जो लेयर्स है, ठीक है, एक्चुअली डर्मल मतलब स्किन रहता है, लेकिन हाइड्रा की स्किन नहीं होती, इसलिए जो बॉडी का आउटर पोर्शन है उसकी वॉल जो है, जिसे हम कह सकते हैं, वो बॉडी वॉल की धीरे धीरे लेयर्स डेवलप होती है, और अंदर उसकी एक डाइजेस्टिव कैविटी डेवलप होती है जिसमें से वो खाना डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर इन कंटिन्यूटी, वो पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, एक पेरेंट हाइड्रा है, उस पेरेंट हाइड्रा के साथ ही साथ उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। सो पेरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा। तो नया ये जो बडिंग हाइड्रा बना है इसको अपने पेरेंट हाइड्रा से, मतलब जो हाइड्रा ने अभी अभी बडिंग की थी वही हाइड्रा से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वही से उसको खाना मिल रहा है, ठीक है। सो बडिंग हाइड्रा सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट्स टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन इट ग्रोज अप एंड बिकम्स एबल टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। तो ये जो बडिंग हाइड्रा था, ये बडिंग हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाएगा। कब अलग होगा, जब वो थोड़ा ग्रो हो जाएगा, जब उसके अंदर सारी ऐसी काबिलियत आ जाएगी कि वो अब अलग से रह सके, ठीक है, उसके बाद वो अलग होकर इंडिपेंडेंटली जिएगा, ठीक है। तो हमने बडिंग के बारे में अब सीख लिया, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में डाल देना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखने वाले हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये क्या होता है, तो देखिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए क्या होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हो रहा है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इतना आपको सीधा सीधा याद रखना है, अगर आपको थोड़ा घुमा फिरा के याद रखना है, मतलब ये डेफिनेशन को याद रखना है, तो इसका आप मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर प्लांट जो है,
ठीक है, अगर एक प्लांट है वो आप सिर्फ किसकी बात करोगे, रूट, स्टेम, लीफ, ये तीनों की बात करोगे, ठीक है। बर्ड मतलब वो तो स्टेम का हिस्सा माना जाता है उसको, अगर वो उन चीजों से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहेंगे। और ये जो पार्ट्स होते हैं रूट, स्टेम, लीफ और इवन बर्ड, इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन पोटैटोज इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन ट्यूबर, ठीक है। पहले फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए कि पोटैटो में, ठीक है, जो पोटैटो होता है उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होता है, उसका जो ट्यूबर होता है उसके ऊपर आईज होती है, उन आईज से होता है। अब आप पूछोगे यार ये क्या बोल रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो पहली चीज, ट्यूबर मतलब जो पोटैटो का स्टेम है वो स्टेम मॉडिफाई होकर वो ट्यूबर बना जाए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो उसका कैसा रहता है पता है क्या, ये ऐसे स्टेम रहता है और ये स्टेम से ऐसे पोटैटो रहता है ऐसे, ठीक है। तो इस पार्ट को हम मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं, इसलिए हम इसे ट्यूबर कहते हैं। और इस ट्यूबर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स आए हुए रहते हैं, इन्हें भी हम बर्ड्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन बर्ड्स को, ये पोटैटो के ऊपर है, इसे हम आईज कहते हैं। आईज इसलिए कहते हैं क्योंकि आईज जैसे दिखते हैं सिंपली, इसलिए हम इसे आईज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, पोटैटो के अंदर द वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन ट्यूबर। तो समझ में आया, वेजिटेटिव पार्ट यहाँ पे स्टेम का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप वापस मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड स्टेम ओनली, स्टेम का ही एक मॉडिफाई किया हुआ रूप है ट्यूबर, तो इसलिए हम कहते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। उस ट्यूबर के ऊपर आईज रहेगी छोटी छोटी, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, पोटैटो लीजिए उसके ऊपर व्हाइट कलर के छोटे 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 आपको दाने दिखेंगे, वो होते हैं आईज, ठीक है, और उनसे ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है पोटैटोज में। Whereas in bryophyllum, it is performed with the help of buds present on leaf margin. तो देखिए bryophyllum का अगर हम example लेते हैं, तो ये bryophyllum की leaf है और इस leaf के margin पर ऐसे sides पर ऐसे छोटे छोटे buds आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे buds आ जाते हैं। फिर वो क्या करता है, अपनी लीफ उससे जो लीफ है वो लीफ अलग होके नीचे गिर जाती है ग्राउंड पे, और वो ग्राउंड पे अपनी रूट्स ग्रो कर लेता है बड़ में से, और ऊपर उसका शूट सिस्टम मतलब जो स्टेम लीफ वगैरह जो भी होती है वो शूट सिस्टम ऊपर ग्रो होता है ग्राउंड के, ठीक है, ऐसे उसका ग्रोथ होता है इन द ब्रायोफाइलम। समझ में आई बात। सो ब्रायोफाइलम, इन ब्रायोफाइलम इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन पे जो बर्ड्स है उन बर्ड्स की मदद से वो रिप्रोड्यूस करेगा। इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन नोड्स। तो देखिए शुगर केन में, अच्छा नोड्स याद है ना सब लोगों को, हमने पढ़ा था पिछले साल, देखिए ये हमारा एक बाम्बू का मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, शुगर केन में भी ऐसा ही होता है। एक्चुअली बाम्बू को एक ग्रास माना जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमें ऐसे ऐसे वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब वो जो स्टेम है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, वो जो डिविजन्स बीच बीच में दिखते हैं हमें, उन डिविजन्स को हम कहते हैं नोड, और उन डिविजन्स के बीच में का जो स्टेम का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। मतलब ये नोड है, ये नोड है, इसका मतलब ये इंटर नोड है, ये भी इंटर नोड है, ये भी इंटर नोड है, इसके बाद शायद और एक नोड होगा यहाँ पे, शायद और एक नोड होगा यहाँ पे, उसके बाद और एक इंटर नोड होगा, ठीक है, ऐसे होता है बाम्बू शुगर केन जैसे प्लांट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बर्ड ग्रो हो जाती है, ये जो नोड होता है, ठीक है, ये जो नोड है, इस नोड से एक बर्ड आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से नोड से एक बर्ड आ जाएगी और वो बर्ड ग्रो होके वहां से एक ब्रांच बन जाएगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। नाउ प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपागेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। जैसे आपको पता है गाजर होती है, मूली होती है, ये सब रूट्स के थ्रू करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ठीक है, ये अपन ने कोई और एग्जांपल लिया लेकिन उसके जैसा ही है। ये जो हमारे कैरेट है, ये जो रेडिश है, ये अपनी रूट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, मतलब ये ओल्ड स्टेम है, ठीक है, ये ओल्ड स्टेम है, यहाँ पे बर्ड बन गया रूट ट्यूबर पे, ये ट्यूबर टाइप का होता है ना, रूट मॉडिफाई होके ट्यूबर बन जाती है क्योंकि हम रूट को खा रहे हैं, वो ट्यूबर है एक, ठीक है, और ये जो ट्यूबर है इस ट्यूबर से एक नया शूट निकलेगा,
मतलब एक नया बर्ड निकलेगा और उस बर्ड में से शूट। अच्छा शूट और रूट पता है ना सबको, शूट मतलब जो जमीन के ऊपर ग्रो होगा, जो भी पार्ट ऑफ द प्लांट जो जमीन के ऊपर होगा उसे हम कहते हैं शूट, और जो नीचे ग्रो होगा उसे हम कहते हैं रूट। तो देखिए इस रूट में से ही ऐसे बर्ड फॉर्म हो जाता है और उस बर्ड में से शूट निकल जाती है, ठीक है, और फिर उस शूट का प्लांट बनता जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कहाँ पे? कैरेट में होता है, रेडिश में होता है, बाकी भी कुछ वेजिटेबल्स होती है, ठीक है। तो अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप्स का होता है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा जाता है, तो इसीलिए स्क्रीनशॉट लो और थोड़ा सा नोट करके लो, फटाफट अपनी एक पेन नोटबुक पेंसिल जो भी है आपके पास लेके आओ और इतना नोट करके लो जितना मैं बता रहा हूँ। मेरे पास नोट्स रेडी है सारे, इसलिए मैं आपको भी दे रहा हूँ, फटाफट नोट करके ले लो, ठीक है जी, फटाफट। तो हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऐसे दो टाइप्स कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए। अब इतना बड़ा बोलने की जगह मैं वीपी बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक होगा नेचुरल वीपी, एक होगा आर्टिफिशियल वीपी। अब देखिए नेचुरल वीपी का मतलब जो नेचर में हो रहा है अपने आप, आर्टिफिशियल वीपी मतलब जो इंसान करा रहे हैं जानबूझ के। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले समझ लो क्या होता है ये। तो नेचुरल वीपी में क्या होता है, नेचुरल वीपी में तीन तरीकों से हम नेचुरल वीपी करा सकते हैं, एक है बाय रूट, एक है बाय स्टेम, एक है बाय लीव्स। मतलब वही जो अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था वही चीज है यहाँ पे, कि एक रूट है, ठीक है, मतलब रूट से ग्रो हो रहा है चीज, उसके बाद एक स्टेम है, उस स्टेम को हम ट्यूबर भी बना सकते हैं, हम बल्ब भी, हाँ इवन बल्ब के फॉर्म में भी स्टेम मॉडिफाई हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इन अनियन, कांदे के अंदर जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर वो जो स्टेम है वो बल्ब के फॉर्म में आ जाती है। बल्ब इसलिए कहते हैं, बल्ब के शेप का है ना इसलिए बल्ब कहते हैं, ऐसा याद रखो, ठीक है। तो ये सब मॉडिफाइड स्टेम के टाइप्स है, इसमें से नेचुरल वीपी हो सकता है। और लीव्स में अगर हम बात करें तो लीव्स के अंदर ब्रायोफाइलम का एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है, उस लीफ के अंदर से ये होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, लीफ के अंदर एक नोच होती है, नोच का मतलब आपको याद है ना पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जैसे वो सेल डिवीजन के वक्त सेल अपने अंदर एक नोच बनाता है, नोच का मतलब होता है वो अपने अंदर ऐसा गड्ढे जैसा बना लेता है, तो वैसे ही लीफ भी ऐसे उसके लीफ मार्जिन पर ऐसे गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों के बीच में यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, मतलब ये तीनों आप करके ले लो फटाफट, एक फ्लो चार्ट मेमोरी में आप कुछ बना के ले लो, ठीक है। और उसके बाद होता है आर्टिफिशियल वीपी। अभी आर्टिफिशियल वीपी मतलब जो इंसान कराते हैं, इसके अंदर तीन, इसमें भी तीन तरीके होते हैं, एक होता है कटिंग, एक होता है लेयरिंग, एक होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो कटिंग तो नाम से ही पता चलता है कि कोई भी प्लांट है उसका एक स्टेम का पार्ट उन्होंने सीधे काट दिया, स्टेम हो सकती है, रूट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख ही सकते हैं कि उन्होंने बेसिकली सिर्फ एक स्टेम को काट दिया और उसको उन्होंने यहाँ पे लगा दिया, बशर्ते उस स्टेम में एक बर्ड है, ठीक है। अगर स्टेम में बर्ड नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि वो स्टेम से नया प्लांट नहीं उग सकता, हमेशा एक नोड रहेगा ना, आपको पता है स्टेम है, ठीक है, स्टेम है और उस स्टेम में ऐसे नोड होगा एक, तो उस स्टेम के अंदर जब तक नोड नहीं होगा ना तब तक उससे नया प्लांट नहीं ग्रो हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको स्टेम को काट के लगाना है तो उसके अंदर कम से कम एक नोड होना चाहिए, उस नोड से बर्ड निकलेगा और उस बर्ड से नया प्लांट ग्रो होगा, ना कि उस स्टेम से, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, कटिंग के समय एक नोड होना चाहिए। अगर आप रूट की बात करो तो रूट में भी नोड्स होते हैं, पता है क्या, इवन रूट्स हैव नोड, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन दिस पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को हमने कट करके यहाँ लगा दिया तो जो नोड वाला पार्ट था उस नोड वाले पार्ट से ऐसे रूट्स भी ग्रो हो गए नीचे, ऊपर शूट सिस्टम भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा आर्टिफिशियल वीपी का फर्स्ट टाइप, जो कि है कटिंग। वेरी इजी एग्जांपल लेने तो ग्रेप्स में होता है, बनाना में होता है, क्रिसैंथेमम प्लांट में होता है और शुगर केन तो बहुत ही सीधा सीधा एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं जो कि है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, देखिए लेयरिंग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट का एक स्टेम होगा, वो स्टेम बहुत हार्ड नहीं होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला स्टेम होगा। तो वो करते हैं कि उस स्टेम को ऐसे झुका देते हैं ऐसे नीचे और उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। कौन सा पार्ट जमीन के अंदर गाड़ेंगे, जिस पार्ट के अंदर नोड होगा। अगेन नोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा वो करेंगे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अंदर कि उन्होंने स्टेम का एक पार्ट है उसको ऐसे झुका दिया है नीचे और जमीन में गाड़ दिया है। तो ये जो स्टेम का ये पार्ट है, इस स्टेम के ऊपर जहां जहां नोड्स है उस नोड से नीचे रूट्स और ऊपर शूट सिस्टम ग्रो होना चालू हो जाता है, इसे हम कहते हैं लेयरिंग।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं बोलो, लेयरिंग। एक और बार बोलो, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, स्टेम है, स्टेम को नीचे झुका देते हैं, ग्राउंड के अंदर दबा देते हैं, और जहाँ पे उसके नोड्स रहते हैं वो नोड्स वैसे रूट और शूट सिस्टम ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लो, लेमन में होता है ऐसा, हिबिस्कस में होता है, गुआवा में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, रास्पबेरी में होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि है ग्राफ्टिंग। अब ये ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर दो प्लांट्स को एक साथ किया जा सकता है। मतलब क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल वीपी मतलब इंसान वीपी क्यों कराते हैं, इंसान वीपी इसीलिए कराते हैं कि उनको एक बेस्ट क्वालिटी का प्लांट बनाकर मिल जाए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने उनको ऐसा लगा कि एक प्लांट है, ठीक है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट है, दूसरा प्लांट है उसका ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट है, तो उन्होंने दोनों प्लांट के पार्ट्स लेकर दोनों को एक साथ कर दिया, उन दोनों को एक साथ कर दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, अपने पास पूरा का पूरा प्लांट ही बेस्ट क्वालिटी का बन गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ग्राफ्टिंग इसलिए किया जाता है। अब देखिए ग्राफ्टिंग के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होने चाहिए, एक प्लांट का हमारे पास रूट के साथ थोड़ा सा स्टेम होना चाहिए, ठीक है, एक प्लांट का हमारे पास रूट, पूरा रूट सिस्टम प्लस थोड़ा सा स्टेम होना चाहिए जिसे हम कहते हैं स्टॉक, और दूसरे प्लांट का हमारे पास स्टेम होना चाहिए और उस स्टेम के अंदर नोड होना चाहिए जिससे बड निकलेगी। ठीक है, उस स्टेम के अंदर नोड होना चाहिए जिसमें से बड निकलेगी, और उस पार्ट को जो स्टेम हमने ली है सॉरी जो हमने स्टेम लिया है जिसके अंदर थोड़ा सा एक नोड है, बड है, उस वाले पार्ट को हम कहेंगे स्कियॉन। तो नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे स्टॉक, जो ऊपर वाला हमने स्टेम काटा उसे हम कहेंगे स्कियॉन। उन दोनों को हम ऐसे टेढ़ा कट लगाते हैं, टेढ़ा कट इसीलिए लगाते हैं, सीधा कट लगाओगे तो आपको भी पता है कि गिर जाएगा। ठीक है, हमने ऐसे रखा है, एक प्लांट ऐसे है, एक प्लांट ऐसे है, उनको एक साथ रखा तो हो सकता है गिर जाए, तो इसीलिए वो ऐसे टेढ़ा कट लगाते हैं, और उस टेढ़ा कट लगाने के बाद वो ऐसे रैप कर देते हैं उसको, अच्छे से उसको बांध देते हैं। ठीक है, और थोड़े सालों बाद वो हो सकता है वो एक साथ हो जाए, तब वो बांधा हुआ वो हटा देते हैं। ठीक है, तब अच्छे से एकदम वो प्लांट ग्रो होता है विद द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, और ये मैक्सिमम टाइम्स हमें एप्पल में देखने को मिलता है, क्योंकि एप्पल आपको पता है बेस्ट क्वालिटी मिलने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बिक्री नहीं होती मार्केट में। तो इसलिए एप्पल में ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, पी प्लांट में, मटर में बहुत ज़्यादा कॉमन है, एप्रिकॉट वो भी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है। अब आप पूछोगे कि इसके फायदे क्या है, तो सबसे पहला फायदा तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट मिलेगा आर्टिफिशियल वीपी के अंदर। ठीक है, और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके, तो फास्टर है ये, फटाफट। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें प्लांट के ऊपर भरोसे, प्लांट के भरोसे पर छोड़ना पड़ रहा था, वो प्लांट आराम आराम से करेगा, यहाँ पे हमने क्या किया, सीधा काटा, नीचे गाड़ दिया, बन गया उसका प्लांट, तो ये फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे बेटर वैरायटी मिलेगी, वही मैंने बताया, हियर मॉनिटरिंग ऑफ डिसीजेस कैन बी डन। फॉर एग्जाम्पल, एक वैरायटी है प्लांट की, वो वैरायटी डिसीजेस को बहुत वल्नरेबल है, उसको फटाक से डिसीज लग जाती है, तो हमने क्या किया, उसको दूसरी वैरायटी के प्लांट के साथ मिक्स किया जिसका इम्यून सिस्टम मतलब वो डिसीजेस के से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करता है, ऐसे वाले प्लांट्स के साथ उसको मिला दिया ग्राफ्टिंग के मेथड से। तो देखिए यहाँ पे हमें डिजीज मॉनिटरिंग भी मिल जाता है। ठीक है, और अगर बोले तो मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी तो यहाँ पे मेंटेन हो ही जाएगी, उसी के साथ साथ क्वांटिटी भी मेंटेन होगी। मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर काफ़ी कम फ्रूट्स वगैरह सब बनते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, तो दोनों को मिला सकते हो। अच्छा, एक शर्त है कि वो जो प्लांट है वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऊपर लेमन का प्लांट है नीचे एप्पल का प्लांट है दोनों को मिला दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ओके, ये होता है। एंड इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी ज्यादा है, वही चीज है, बस उसका लैंग्वेज चेंज है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज, विच ऑफ दिस इज एन डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वीपी, तो इसमें से आपको बताते आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर, और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, प्लस स्कूल के एग्जाम में तो काम आने ही वाला है इसका कुछ पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो हमारी मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमें पढ़नी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन इसका क्या मतलब होता है, फंगल लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी, दे हैव स्पोरेंजिया, मतलब क्या होता है, ये किंगडम फंगस में मेनली पाया जाता है स्पोर फॉर्मेशन।
क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने म्यूकर का एग्जांपल लिया, तो म्यूकर की फिलामेंटस, अगेन फिलामेंटस मतलब स्टिक लाइक बॉडी है, ठीक है, और उसके ऊपर एक स्पोरेंजिया होता है, ऐसा स्पोरेंजिया का मतलब एक ऐसा गोल कलर, गोल स्ट्रक्चर या अम्ब्रेला लाइक भी स्ट्रक्चर होता है कुछ प्लांट्स में, जिसके ऊपर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स है ये कैसे है, ये स्पोर्स ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, और जैसे वो स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं वो स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है, उसमें धमाके हो जाते हैं, मतलब धमाके इन द सेंस छोटा सा धमाका होता है और उससे सारे स्पोर्स है वो उसमें से निकल जाते हैं, ठीक है, वो रिलीज हो जाते हैं, और वो स्पोर्स ऐसे हवा में इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि स्पोर्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हम उन्हें जहाँ भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेड, ठीक है, तो ब्रेड के ऊपर आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि ब्रेड अगर आपने दो तीन दिन रखे या चपाती रखी है सादी, ठीक है, दो तीन दिन आपने ऐसे रखे तो क्या होगा, उसके ऊपर ऐसा ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर का एक फॉर्मेशन हो जाएगा और वो फंगस ही होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो लोग आप फंगस हमारे आसपास तो कहीं हमें दिखे नहीं, तो ये कहां से आ गए, तो वो स्पोर्स की वजह से, ये स्पोर्स हर तरफ हवा में होते हैं, ठीक है, और वो हर तरफ हवा में होते हैं, उन्हें जैसे ही एक मॉइस्ट मतलब थोड़ी सी गीली जगह, अब जैसे ब्रेड और चपाती में थोड़ा सा वाटर कंटेंट तो होता ही है, वार्म प्लेस मतलब हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो उनके लिए सही रहता है स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, तो वो वहां पे जाते हैं और नई अपनी एक फंगल कॉलोनी बस जाती है उनकी, मतलब ढेर सारे स्पोर्ट्स है, वो ढेर सारे स्पोर्ट्स में से ढेर सारे वो म्यूकर बनाएंगे, ठीक है, उनका पूरा ढेर सारा वो पूरा अपना कॉलोनी बना लेंगे, कॉलोनी इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए हम इसे फंगल कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, कोई भी डाउट्स हो अभी के अभी लाइव चैट में पूछना, अभी तक दोस्तों लाइक ना किया हो तो कर देना, जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं उनको मैं बोल देता हूं कि अगर डिसलाइक करना है तो डरपोक जैसे मत करो, कमेंट्स में डालो, ठीक है, डरपोक लोगों के निशानी मत दो, कमेंट्स में डालो डिसलाइक क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा एक बार रिविजन करते हैं भाई फटाफट, ठीक है, रिवीजन कर लो, फटाफट रिवीजन कर लो, अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, ठीक है, और रिवीजन कर लो। क्या है देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या क्या है, एक है फिजन, ठीक है, फिजन में आता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, दूसरा है बडिंग, ठीक है, उसके बाद आता है फ्रैगमेंटेशन जिसमें पार्ट्स होते हैं, उसके बाद होता है रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन मतलब एक पार्ट है वो ग्रो होता है, ठीक है, उसके बाद होता है स्पोर फॉर्मेशन जो अभी देखा, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो अभी देखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल का रिवीजन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं, आज के सेशन में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। तो पहली चीज तो यहाँ पे बाय पेरेंटल है, बाय पेरेंटल मतलब दो पेरेंट्स है, ठीक है, एक मेल पेरेंट होगा एक फीमेल पेरेंट होगी, ठीक है, दोनों के पास जर्म सेल्स होंगे, जर्म सेल्स का मतलब गैमिट, गैमिट का मतलब ऐसे सेल्स है वो जिनसे रिप्रोडक्शन कराया जाता है, ठीक है। सो टू जर्म सेल्स होंगे, एक होगा मेल जर्म सेल, एक होगा फीमेल जर्म सेल, या फिर कह सकते हैं मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ठीक है। सो टू मेन प्रोसेस अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे दो मेन प्रोसेस होते हैं, ठीक है, दो मेन प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है, सबसे पहले होगा गैमिट फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक गैमिट ही नहीं बनेंगे तब तक तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करा सकते। तो देखिए गैमिट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस कराते हैं और उससे गैमिट्स फॉर्म होते हैं। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमिट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होते हैं, देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक सादा सा एक ह्यूमन सेक्स सेल इसे कह सकते हैं हम, ठीक है, जिसे हम स्पर्मेटोसाइट या ऊसाइट कहते हैं, ठीक है, ये डिटेल में समझाऊंगा मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो सादा एक सेल है एकदम प्लेन जो 2N वाला है, ठीक है, आपको पता है सारे जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं वो 2N फॉर्म में होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, वो जो 2N वाला सेल है वो मियोसिस करके 1, 2, 3 और 4 N के सेल्स बनाएगा, करेक्ट, ये आपको पता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 करेगा, उसके बाद उसके पास 4 N के सेल बनेंगे जिसे हम हैप्लॉइड गैमेट कहते हैं या हैप्लॉइड सेल कहते हैं। अब ऐसा ये क्यों करता है, उसके पीछे एक कारण है, ठीक है, उसके पीछे सिंपल कारण है, एकदम सिंपल, ठीक है, वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट भी आएगा, एक फीमेल गैमेट आएगा, दोनों का फ्यूजन होने वाला है, दोनों मिलने वाले हैं। तो अगर 2N और 2N होगा तो जो नया गैमिट, जो नया वो फ्यूजन करेंगे एक साथ, तब जो नया सेल फॉर्म होगा वो 4N हो जाएगा, मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो गए। तो अब ऐसा करेंगे, देखिए
हमने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जिसमें क्रोमोसोम कंटेंट 4n है, फिर वो एक और ऑर्गेनिज्म 4n वाला उसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा, तो 4n प्लस 4n 8n हो जाएगा, उस 8n का नेक्स्ट टाइम रिप्रोडक्शन करके 16n हो जाएगा, तो ये तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, ये नहीं चलता है, ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअली सेंसिबल। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, मियोसिस करना पड़ता है, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिविजन कहते हैं क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है, राइट, 2n से n होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे मियोसिस यहाँ पे कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, सेल है वो सेल रिप्रोड्यूस करके नए सेल बना रहे हैं अपने जैसे, ठीक है, माइटोसिस हुआ, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होगा माइटोसिस भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, माइटोसिस कैसे होगा वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अ डिप्लॉयड गैमेट इज फॉर्मड इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे एन था मेल गैमेट, यहाँ पे एन था फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन हुआ, दोनों का यूनियन हुआ, दोनों मिले तो बना 2n, जिसे हम कहते हैं डिप्लॉयड, और इसको जो अभी अभी फॉर्म हुआ उसे हमें हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक एग होता है, एक स्पर्म होता है, ठीक है, एग इज द फीमेल गैमेट, स्पर्म इज द मेल गैमेट, और दोनों का मिलाकर बनता है जाइगोट, ठीक है, और इस जाइगोट के अंदर दोनों रहते हैं, ठीक है, तो 2n बन जाता है यहाँ पे। द जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। यहाँ पे जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट अपने अंदर माइटोसिस करेगा। ये लो अब माइटोसिस आ गया। अब ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि एक सिंगल जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल से आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते, तो इसलिए पहले उस सिंगल सेल का बार बार माइटोसिस कर करके अब यहाँ पे मियोसिस नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसी के जैसे सेल बनाने हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइटोसिस करेंगे, बार बार माइटोसिस करेंगे, बार बार माइटोसिस करेंगे, और उससे हमें ढेर सारे जाइगोट के जैसे सेल मिल जाएंगे, और वो जो ढेर सारे सेल बने उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो, ठीक है, क्या कहेंगे बोलो, एम्ब्रियो, ओके। सो एम्ब्रियो इज फॉर्म, द एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो देखिए पहले हमारे पास थे मेल और फीमेल गैमिट, वो दोनों का फ्यूजन हुआ, यूनियन हुआ, उसके बाद बना जाइगोट, उस जाइगोट के अंदर बहुत सारा माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद एम्ब्रियो बना, मतलब ढेर सारे सेल्स उसके अंदर होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, और उस एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट से फीटस बनेगा, फीटस का मतलब एक नया छोटा बच्चा बनेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से बड़ा होने के बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वापस बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको कैसे होता है। दो स्टेप से, एक है गैमीट फॉर्मेशन, एक है फर्टिलाइजेशन, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, टू पेरेंट्स दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर मेनली टू पेरेंट्स होते हैं, एक होता है मेल पेरेंट, एक होता है फीमेल पेरेंट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमिट ऑफ फीमेल पेरेंट अकर्स ड्यू टू दिस, अ न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज द रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है, उसकी वजह से जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो नए इंडिविजुअल के अंदर रिकम्बाइंड जीन्स होंगे, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, और कुछ तीसरा ही अलग ही जेनेटिक मटेरियल होगा। हैज द न्यू इंडिविजुअल शो सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर्स एंड हैज सम कैरेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो मेल से आए हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो फीमेल से आए, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो उसने खुद ही डेवलप कर लिए, क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ एकदम तीसरी चीज बन रही है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स वो खुद के भी डेवलप करता है, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। जैसे कि आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, तो आपके पास कुछ अपने ऐसे गुण होंगे जो आपके पापा से आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मम्मी से आए होंगे, और कुछ होंगे जो आपके खुद के होंगे, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो जीन्स है, मतलब जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो वेरिएशन है, मतलब वैरायटी में है, और उसी की वजह से डाइवर्सिटी मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब बहुत ही अलग 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 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता है फुल्ली टोटली, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहता ही है। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयरबाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। तो ये देखिए, ये जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ये जो चीजें बदलाव हो रहे हैं, इस बदलाव की वजह से एनवायरनमेंट भी बदलता ही रहता है, तो इसके साथ एडजस्ट करने में मदद मिलती है, और ये एग्जिस्टेंस में मदद करता है, मतलब ये
वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म लॉन्ग टर्म वो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज कभी बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं और एनवायरमेंट में कोई तो फैक्टर ऐसा होगा, ठीक है, या फिर एनवायरमेंट ऐसा कोई एक तो ऑर्गेनिज्म बनेगा ही जो एनवायरमेंट के सभी फैक्टर्स के साथ क्या कहते हैं एडजस्ट कर पाए, ठीक है। सो ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट होने से बच जाते हैं। अब आप बोलोगे वाह भाई बड़ा अच्छा है, अब तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना ही नहीं चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होना चाहिए। लेकिन देखिए इसके कुछ फायदे तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी है, ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। कल के सेशन में हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट वुड हैव बीन हैपेंड इफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैड बीन डिप्लॉयड, मतलब हमने देखा कि जो मेल गैमेट है जो फीमेल गैमेट है वो हैप्लॉयड होते हैं, एन वाले होते हैं, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड होते टू एन होते तो क्या होता, मतलब वही चीज है ना, मैंने अभी अभी तो एक्सप्लेन किया था, एक बार आंसर रीड आउट कर देता हूं मैं। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स स्पर्म एंड ओवम आर हैप्लॉयड। अच्छा, जो मेल गैमेट होता है ह्यूमंस में उसे स्पर्म कहते हैं, जो फीमेल गैमेट होता है उसे ह्यूमंस में ओवम कहते हैं, ओवम मतलब एग, ठीक है। सो दीज आर हैप्लॉयड एन एंड जायगोट फॉर्मड फ्रॉम देम इज डिप्लॉयड, मतलब टू एन। इफ द मेल एंड फीमेल गैमेट वर डिप्लॉयड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच जनरेशन वुड हैव कंटिन्यूड टू डबल एंड दिस वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड ये किधर गया, ठीक है, खत्म ही कर रहे हैं बस सेशन को, टेंशन मत लो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वुड हैव बीन हैपेंड इफ एनी ऑफ द सेल्स इन नेचर हैड नॉट बीन डिवाइडेड बाय मियोसिस। तो अगर कोई भी सेल में मियोसिस ही नहीं होता तो इससे क्या होता, तो मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अगर तुम्हारे पास मियोसिस नहीं है तो पहली चीज तो तुम्हारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मियोसिस के अंदर एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसके अंदर हमें एन एन मिलता है, तभी एन एन को हम कंबाइन करके टू एन बनाते हैं, ठीक है, हम कभी भी टू एन को कंबाइन नहीं करते, दैट इज नॉनसेंस। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, और प्लस मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी भी नहीं मिलेगी, वो जो जैसा पेरेंट वैसा ही बच्चा, वैसा ही उसका बच्चा, सेम टू सेम, ठीक है। इफ मियोसिस वर टू डिसअपियर ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वुड स्टॉप हैविंग ऑफस्प्रिंग। तो पहली चीज तो ये होगी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो नहीं कर पाएगा अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो सब कुछ उसका स्पीशीज वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। दिस मीन्स नो मोर बेबीज पपीज किटन्स प्लांट्स एटसेट्रा, ठीक है, मतलब इंसान के भी बच्चे नहीं होंगे, जो हमारे डॉग्स होते हैं उनके भी बच्चे नहीं होंगे, कैट्स होते हैं उनके भी बच्चे नहीं होंगे, और प्लांट्स भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स में तो यही होता है, ठीक है। वेल ऑल लिविंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वुड कंटिन्यू लिविंग, देयर वुड बी नो फ्यूचर जनरेशन। अभी तो है, ठीक है, अभी के सब जी रहे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन ही नहीं बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं बना सकते। सो दिस वुड लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स डिप्लॉयड स्पीशीज। तो जो भी स्पीशीज है दुनिया में जो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब जो 2N वाली स्पीशीज है जो मियोसिस करती है, वो सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये इसका आंसर है सिंपल। तो देखिए आज के सेशन में तो दोस्तों हमें इतना ही पढ़ना था, और नेक्स्ट सेशन में ज़रूर इसे हम कंटिन्यू करेंगे, और कोई भी आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, या अभी लाइव चैट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको NTSC के नोट्स चाहिए, बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर। और मेरा एक दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ भी डाल के रखे, तो ज़रूर उसे भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट येट, ओके, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन के बाद क्या मिलेगा, एक के बाद एक जो भी वीडियोज आएंगे सबका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप लोगों का फायदा होगा। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग, एंड आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आई एम संकेत मनियार एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।